डायरेक्टर रमेश सिपाही की पहली फिल्म आती है ब्रह्मचारी, 1968 में रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1971 में इनकी फिल्म आती है अंदाज और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। रमेश सिपाही की 1972 में फिल्म आती है सीता और गीता और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट डिक्लेयर की गई। 1975 में इनकी फिल्म आती है शोले और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर की गई। 1968 में इनकी फिल्म आती है तृष्णा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। 1980 में रमेश सिपाही की फिल्म आती है शान और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 1982 में इनकी फिल्म आती है शक्ति और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1985 में इनकी फिल्म आती है सागर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। 1989 में इनकी फिल्म आती है भ्रष्टाचार और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1991 में इनकी फिल्म आती है अकेला और ये फिल्म फ्लॉप करार दी गई। 1995 में रमेश सिपाही की फिल्म आती है जमाना दीवाना और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2003 में इनकी फिल्म आती है कुछ ना कहो और ये फिल्म फ्लॉप रही। 2005 में इनकी फिल्म आती है वुल्फ मास्टर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 2006 में इनकी फिल्म आती है टैक्सी 9211 और ये फिल्म सेमी हिट रही। 2009 में इनकी फिल्म आती है चांदनी चौक टू चाइना और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2011 में इनकी फिल्म आती है दम मारो दम और ये फिल्म फ्लॉप रही। 2013 में रमेश सिपाही की फिल्म आती है नौटंकी साला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही। 2014 में इनकी फिल्म आती है सोनाली केबल और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2020 में रमेश सिपाही की फिल्म आती है शिमला मिर्च और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।